हेलो फ्रेंड्स, देखो मैंने कल आपको दिखाया था भैया की शादी की जो वीडियो क्या मतलब वीडियो बनाई थी हमने एल्बम की। आज मैं आपको दिखाऊंगी उसका सेकंड पार्ट। मतलब मैं मना तो एक ही दिन ली थी इकट्ठी, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी थी ना, तो मैंने धीरे धीरे करके दिखाई। इतनी लंबी फिर देखने में वो नहीं होता है, तो इसलिए मैंने बना तो वीडियो इकट्ठी ली बैठ के, लेकिन आपको एक एक पार्ट करके डालूंगी, तो आपको देखने में मज़ा आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और कल वाली वीडियो आपने देख ही ली होगी कैसी लगी। आज मैं सेकंड पार्ट डाल रही हूँ वीडियो का, जो भैया की हुई थी उसमें। देखो फ्रेंड्स, सगाई के बाद, सगाई हो चुकी थी, शादी वाले दिन सुबह जो भात होता है, भात लिया जाता है, मतलब मम्मी के भाई आए मेरे मामा जी भात ले, तो भाती के लिए देखो खड़ी है सभी, मेरी सिस्टर कज़न सिस्टर ही आगे खड़ी, ये बुआ जी सब मतलब मेरी परिवार से ही हैं कुछ। देखो सभी खड़ी हैं, वो गीत गाते हैं ना सभी खड़ी होके, जब भाती आते हैं तो उसके लिए सभी खड़ी। देखो अब यहाँ पर देखो सबसे बड़े मामा जी आ गए हैं, मम्मी ने यहाँ पे तो घूंघट उठा लिया क्योंकि मम्मी को फोटो का पूरी शौकीन है, यहाँ पे इतने ज़्यादा जेंट्स तो है नहीं इसलिए घूंघट उठा रखा है, वरना तो घूंघट नहीं उठाते यहाँ पे। देखो ये भी वहाँ पे मामा जी हो रही है, ये देखो ये थाली, ये देखो यहाँ पे मम्मी तिलक लगा रही है साथ में ही, और ये वो करती है मीठा कुछ खिला रही है। ये मामा के लड़के हैं, भाई है मेरा, ये भी मामा का लड़का है भाई, ये छोटे मामा जी है मेरे, देखो यहाँ पे मम्मी का शायद रो रही है मम्मी, देखो आप चेहरे देख के भी आपको पता लग रहा होगा मम्मी रो रही है यहाँ पे, क्योंकि जब ये भाई आया तो जो मेरे एक मामा एक्सपायर हो गए उनकी याद आई हुई है मम्मी को यहाँ पे, इसलिए मम्मी रोने लग गई बात लेते टाइम। ये देखो मामा और मामी हैं, ये भी मामा के लड़के हैं, मेरे मामा के लड़के हैं, मामा के लड़के ये मेरे भाई, ये मेरी मामी जी है, घूंघट देखो घूंघट नहीं उठाती मेरी मम्मी, लगा रखा है यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है चेहरा, इस नहीं पहचान में आ रहा, ये भी मामा की लड़की है, ये मामा की बेटी है, ये मामा की बेटी है सिस्टर, और ये देखो ये मेरी मौसी है, मतलब दो बहनें, मेरी मम्मी वैसे तो एक थी, ये मेरी मम्मी कज़न सिस्टर है, तो दोनों के साथ में एक ही गांव से है ना दोनों, ये गांव से है, मम्मी की मौसी की लड़की है, तो मेरी मौसी हुई, मतलब ये सिस्टर है इनकी मम्मी, ये अभी तो एक्सपायर हो गई है ये, और देखो मम्मी के माड़ा। और यहाँ पे एक बात बताऊँ, इतने ज़्यादा मतलब हमारे बारात तो इतनी छोटी आई थी शादी में, मतलब मेरे जेठ पहले ही शादी की थी ना, तो बरात वहाँ पे ज़्यादा चढ़ा दी थी, तो मेरे ससुर इतने ज़्यादा लोग नहीं लेके आया था, मतलब कम बराती लेके आया था, लेकिन जो हमारे भाती आए थे ना बरात से ज़्यादा भाती थी हमारे, फोटोग्राफर भी देख के हैरान रह गए था, बोल रहा था उनको इतनी तो बरात नहीं जितनी तुम्हारे भाती आए हुए हैं, मतलब 150 से ऊपर भाती आए थे मेरी मम्मी के, यहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये तो मम्मी के यहाँ पे इसमें आ गए थे, कोई 100-150, देखो थाली पूरी भरी हुई दिख भी रही होगी आपको यहाँ पे, और माला सूट पता नहीं क्या क्या, देखो सूट भी दिए जा रहे हैं पीछे, किसी को पीछे दे रहे हैं यहाँ पे, माला भी बहुत ज़्यादा, मतलब इन मम्मी की साइड है थोड़ा ही लेने देने का सिस्टम, ज़्यादा ही करते हैं ये रिवाज इनकी। ये देखो मामी है, मम्मी इनको तिलक लगा रही है, ये देखो सभी बातियों की फ़ोटो नहीं ली, मतलब जो अपने घर के या चाचा दादा के उनके लिए, बाकी क्योंकि एल्बम बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है फिर, ये तो देखो आप भी समझ सकते हो इतनी ज़्यादा फ़ोटो लेनी पॉसिबल नहीं हो सकती, वरना बहुत ज़्यादा बाती थी बहुत ज़्यादा, ये देखो सारी बाती है ये यहाँ पे बैठे, अब बात लेना स्टार्ट हो गए, मेरे मामा जी बैठे हैं, ये नाना जी हैं,
और ये वहीं से है सर, ये मेरी फैमिली की साइड से मतलब हाथ ले रहे उस टाइम बैठे हैं। ये देखो ये डाला था, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है पैसे कितने दिए थे, कि क्या वन दिए थे, पता नहीं 1 लाख दिए थे ऐसा ही कुछ था, मेरे को पक्का ध्यान नहीं है उस टाइम का। मम्मी के पास नहीं है वरना पूछ के मैं बता देती, मम्मी को ध्यान है। ये एक अंगूठी दादा को डाली थी मेरे मामा, उन्होंने एक पापा को डाली थी। ये मम्मी के लिए लॉकेट करवाया था और हम दोनों बहनों की सोने की चूड़ियाँ करवाई थी गोल्ड की। गोल्ड की देखो मम्मी के लिए लॉकेट है, 2 अंगूठी है हमारे लिए चूड़ियाँ, ऊपर पैसे पता नहीं मेरे ध्यान नहीं भाई कितने हैं, मम्मी अगर पास होती तो पूछ भी लेती बता देती आपको। ये देखो बाती क्या कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं सब, मेरे दादा सगे बैठे हुए हैं कंबल में, सब देखो सभी की आँख कैसे टुक टुक देख रही है। ये देखो यहाँ पे मेरे मामा जी निकाल रहे हैं बैग से, दूसरे मामा जी पास में बैठे हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं। ये सारे बाती है मम्मी की साइड से। ये देखो बड़े मामा जी अंगूठी डाल रहे हैं पापा को, जो होता है ना हमारे सिस्टम होता है जैसे भात में देते हैं, मतलब मम्मी की साइड से बहुत ज़्यादा है, मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा वो करते हैं ये शादियों में टूम वगैरह, जैसे इसलिए पापा को अंगूठी डाली थी इन्होंने। और ये जो नाना जी है इन्होंने मेरे दादा को अंगूठी डाली। फिर लास्ट में जैसे घर में जो बड़ा होता है ना वही प्रांत लेता है, वही देता है, जैसे मम्मी की साइड से बड़ा ये था नाना और हमारे साइड से दादा थे। ये देखो प्रांत यहाँ पे दे दी, यहाँ दे रहे हैं। ये देखो एक मेरे मामा जी है, मेरे 5 मामा है सगे, ये देखो दिख रहे होंगे आपको, तो 4 अभी फ़िलहाल में, एक मामा एक्सपायर हो गया जो मुझे तो ध्यान भी नहीं है, शायद मैं थी भी नहीं उससे पहले होंगे थे। ये देखो जो सबसे बड़ी मामी जी है ना वो मम्मी को ये लॉकेट सा डाल रही है, देखो मंगलसूत्र टाइप में बनवा रखा है, ये बड़ी मामी जी डाल रही है। वहाँ जेंट्स खड़े आगे देखो घूंघट लगा रखा है दोनों ने, मम्मी की कितनी अच्छी भाई है, क्या लेके आते हैं क्या बोलते हैं चुनरी होते हैं क्या बोलते हैं वो ले रखा देखो, इसमें पैसे वगैरह चिपका रखे हैं। अब भात इन्होंने ले लिया, क्योंकि बहुत सारी फ़ोटो तो ना क्या करते हैं लोग बनवाते कटवा देते हैं भाई, मजबूरी होती है इतना बड़ा कितना बनवाएंगे हम, फ़ोटो तो उस टाइम बहुत होती लेकिन बाद में सिलेक्ट करके आते ना तो कटवा दी जाती है। ये देखो फिर भात होने के बाद क्या करते हैं, ये अब भैया को तेल उतारना चढ़ाना होता ना कुछ वो कर रहे हैं बुआ जी, हम नहीं हैं इनमें कहीं पे फ़ोटो, क्यों नहीं है क्योंकि जैसे 5 जनवरी को है ना ये बात वगैरह, तो सुबह ये तो 4 जनवरी को था सुबह हमारी शादी वाले दिन, इसमें बात में तो हम थे यहीं थे तब तो, लेकिन जब भैया की शादी थी अगले दिन उस टाइम हम आए नहीं थे, ससुराल गए हुए थे ना भैया की, बिल्कुल बारात चढ़ने लगी थी ना बिल्कुल भाई रेडी थे उस टाइम मैं पहुँची थी, मैं और मेरी सिस्टर मतलब निकलने को रहे थे, हमारा ही वेट कर रहे थे कब हम आए और बारात बाहर निकलेगी तभी, क्योंकि वो कुछ सिस्टम होता है ना जीजा हाथ वगैरह कुछ माला वगैरह डालते उसके बाद ही होता है शगुन होता है वो कुछ ऐसा, तो इसलिए हम लेट हो गए थे। देखो मैं हम इस टाइम हैं नहीं यहाँ पे, देखो मेरी बुआ जी सगी बुआ जी यहाँ पे तेल वगैरह कुछ कर रही है, यहाँ पे देखो मामी ने घूंघट उठा लिया, मेरी मामी है सगी, क्योंकि यहाँ लेडीज़ प्रोग्राम है ना बस लेडीज़ लेडीज़ है इसलिए। ये मेरी मम्मी है देख लो, ये मौसी बुआ, फिर ये क्या बोलते इसको झोल, हमारे साइड से तो दही लगाते हैं सिर पे, ये दही लगा रहे हैं यहाँ पे देखो, ये मेरे सगे फूफा जी देख लो, एक ही मेरे फूफा जी और बुआ जी रे सगे यही हैं, ये भी बुआ जी है, ये बुआ जी फूफा जी हैं, ये मेरे सगे मामा जी हैं। मेरे मम्मी पापा, ये बीच में बुआ की गुड़िया खड़ी है, ये कजन सिस्टर मेरी दोनों ही, और ये मामा मामी, ये मम्मी मौसी बुआ जी झोल डाल रहे हैं सब यहाँ पे,
शादी से पहले डालना होता है ना। मेरे तो देखो कभी बताऊंगी, लंबी हिस्ट्री है, मेरे तो बहुत ही कम ये सब हुआ था, मैं बीमार थी उस वजह से। कभी फिर बताऊंगी, ज़्यादा लंबी है मेरी, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज नहीं बताऊंगी ये चीज़ें। ये देखो, ये मेरे